एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों आज हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के उन नामवर मशहूर फनकारों की बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में ड्रामा बीन या फिल्म बीन का कहना था कि उन फनकारों की शक्लें इंडियन मकबूल अदाकार अमिताभ बच्चन से बहुत मुशाबे रखती थीं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी ये फनकार भी उस वक्त सिल्वर स्क्रीन या फिर टेलीविजन पर नमूदार हुए जब इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन का सितारा अरूज पर था और वो बॉलीवुड पर छाए हुए थे। ये भी बताते चलें कि इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन की नस्ल की जड़ें पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद से जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनकी वालदा तेजी बच्चन जिनका तलक सिख मजहब से था उनका आबाई गांव फैसलाबाद से समुद्री रोड पर वाकया था और वो अपने घराने की सबसे पढ़ी लिखी औरत थी। जबकि अमिताभ बच्चन के वालिद बच्चन साहब का तलक एक हिंदू घराने से था और वो अलाहाबाद में रहते थे और उनका शुमार 60 और 70 की दहाई के मशहूर इंडियन शायरों में होता था। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वापस आते हैं दोस्तों अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान में जिस फनकार की शक्ल पर सबसे पहले गुमान किया गया कि उनका चेहरा अदाकार अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा मुशाबे रखता है, उनका नाम है राहत काजमी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सहरा काजमी के राहत काजमी की। राहत काजमी 30 जून 1946 को इंडिया के खूबसूरत शहर शिमला में पैदा हुए। राहत काजमी के वालिद वकील थे और उनके वालिद चाहते थे कि वो भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वकील बने। राहत काजमी ने इब्तदाई तलीम रावलपिंडी के स्कूल गोल्डन से हासिल की और उसके बाद उन्होंने LLB की डिग्री लाहौर से हासिल कर रखी है। इसके अलावा वो मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में भी रखते हैं। राहत काजमी ने अपने फनी करियर का आगाज 70 की दहाई से पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा कुरुपते और फासले से किया था और आपके मशहूर ड्रामों में देरा जाला, धूप किनारे, कारवा, एहसास, नंगे पांव और ड्रामा शराब वगैरह शामिल हैं। राहत काजमी ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज मशहूर नावल नगार सलमा कवल के नावल चुपके से बाहर आ जाए पर बनने वाली फिल्म मेहमान से किया था। राहत काजमी की पहली फिल्म मेहमान में उनकी हीरोइन बनी थी बाबरा श्रीम और ये फिल्म अपने दौर की अपने गानों और स्टोरी की वजह से सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों जब राहत काजमी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो पाकिस्तानी फिल्म बीन जो इंडियन फिल्म में भी देखते थे उन्होंने कहा कि राहत काजमी पाकिस्तान के अमिताभ बच्चन हैं। मगर ऐसा हो ना सका क्योंकि अमिताभ बच्चन इंडियन फिल्मों में बतौर एंग्री यंग मैन मकबूलियत हासिल कर रहे थे। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जबकि राहत काजमी धीमे लहजे में डायलॉग बोलने वाले फनकार थे। दोस्तों राहत काजमी के क्रेडिट पर 10 मकबूल पाकिस्तानी फिल्में हैं जिनमें आजकल, खानदान, आसपास और फिल्म जाने मन काबिले जिक्र हैं। राहत काजमी ने अपने ही को एक्टर और दोस्त सहरा काजमी से 1976 में शादी कर ली थी। राहत काजमी के सहरा काजमी से एक बेटा अली काजमी और एक बेटी निदा काजमी है और वो दोनों ही अदाकार, सदाकार, डायरेक्टर हैं और आजकल मुल्क से बाहर कनाडा में सेटल हैं। बात करते हैं नंबर 2 पर वो कौन सा फनकार है जिसकी शक्ल इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन से मिलती है। तो दोस्तों नंबर 2 पर हैं पेशावर टेलीविजन से तलक रखने वाले फनकार जुहेब खान। अदाकार जुहेब खान, अजबुल खान और अदाकार जहांगीर खान ने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा मौसम से अपने कैरियर का आगाज किया था और पाकिस्तान टेलीविजन देखने वाले जानते हैं कि ड्रामा मौसम पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर की एक बेहतरीन पेशकश थी। जुहेब खान का तलक पेशावर के मोहल्ला मारवीहा से है। अब पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर सेंटर के ड्रामा मौसम के अलावा ड्रामा किनारा में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आए। अदाकार जुहेब खान के बारे में ड्रामा देखने वाले और फिल्में देखने वाले कहते हैं कि उनकी शक्ल ही नहीं बल्कि उनकी आवाज भी अदाकार अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा मिलती है। अदाकार जुहेब खान ने ड्रामों के अलावा चंद एक उर्दू फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। जुहेब खान की पहली फिल्म आज का दौर थी। दिलचस्प बात यह है कि मशहूर गुलकार अदाकार अरशद महमूद जिनका गाना
हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो बहुत मकबूल हुआ था। उनकी भी ये बतौर अदाकार पहली फिल्म थी। फिल्म आज का दौर कराची के एक सिनेमा स्टार में तकरीबन एक साल तक लगी रही और पाकिस्तान की चंद कामयाब उर्दू फिल्मों में उसका शुमार होता है। दोस्तों अदाकार ज़ुहैब खान ने फिल्म आजकल के अलावा नदीम की फिल्म पाबंदी और कुंवारा बाप में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ज़ुहैब खान और अदाकारा रूबी नियाजी का पेयर फिल्म बिनों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, मगर उन दोनों को प्रमोट करने वाले डायरेक्टर असलम नाथा को जब सियासी वजह से कत्ल कर दिया गया तो दोनों का करियर गुल हो गया। अदाकार ज़ुहैब खान को अदाकार अमिताभ बच्चन का हम शक्ल कहा जाता था, मगर वो जल्द ही फिल्मों से आउट हो गए और उन्होंने वजन भी बढ़ा लिया और वो अपने ज्यादा वजन की वजह से उम्र रसीदा नजर आने लगे। आजकल ज़ुहैब खान लंदन में रहते हैं और ऑनलाइन टैक्सी का बिजनेस कामयाबी से चला रहे हैं। ज़ुहैब खान के माशाल्लाह दो बेटे और एक बेटी है जो कि आला तलीम याफ्ता है। ये थे पाकिस्तान के दूसरे फनकार जिनकी शक्ल अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा करीब थी। अब बात करते हैं कि नंबर तीन पर वो कौन सा पाकिस्तानी फनकार है जिसकी वाकया ही अमिताभ बच्चन से शक्ल बहुत ज्यादा मुशाबह भी रखती थी और कद्दो कामत के लिहाज से भी अमिताभ बच्चन के बहुत करीब थे। तो नंबर तीन पर हैं पाकिस्तानी अदाकार इजहार काजी। मैंने अब तक आपको जो बातें बताई वो तो तस्वीर का एक रुख है। हमारे जेल का निजाम बरतानवी साम्राज्य की मखसूस हिकमत अमली का एक। अदाकार इजहार काजी 16 सितंबर 1955 को कराची के इलाका खड्डा मार्केट में पैदा हुए। आप एक इंजीनियर थे। आपकी शक्ल भी इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन से बहुत मुशाबे रखती थी क्योंकि आपने 80-90 की दहाई में फिल्मों में कमाल का काम किया था, तो उस वक्त फिल्में देखने वाले VCR पर इंडियन फिल्में भी देखते थे, तो फिल्म बिनों का ख्याल था कि आप सही तौर पर पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन हैं। इजहार काजी ने अदाकार अमिताभ बच्चन की तरह पाकिस्तानी फिल्मों में ज्यादातर एंग्री यंग मैन का रोल निभाया और उन्होंने उर्दू फिल्मों के साथ साथ कई एक पंजाबी फिल्मों में भी कामयाबी से काम किया। ये बताते चले कि इजहार काजी ने अपने फनी करियर का आगाज 80 की दहाई के शुरू में फातिमा सरैया बजिया के ड्रामा सीरियल अना से किया था, मगर उन्हें शोहरत बतौर फिल्मी हीरो नसीब हुई। इजहार काजी फिल्मों में अदाकारी के अलावा गुलकारी भी किया करते थे और उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ था। आपकी मकबूल फिल्मों में रूबी, लव इन नेपाल, निजात, काला पानी, इंसानियत के दुश्मन, लीडर, हवा की बेटी और फिल्म पच्चम वगैरह शामिल है। आपकी आखिरी फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। जब पाकिस्तानी फिल्मों पर जवाल शुरू हुआ तो आपने भी फिल्मों से किनाराकशी कर ली और वापस अपने आबाई शहर कराची चले गए और बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ आप निजी महफिलों में गायकी का भी मुजाहरा करते थे। इजहार काजी के चाहने वाले और उनके करीब रहने वालों ने बताया है कि उन्होंने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी थी। अगर उनकी फैमिली की बात करें तो आपकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। इजहार काजी हरते क्लब बंद होने की वजह से 22 दिसंबर 2007 को कराची के इलाका गुलशन जौहर में अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। दोस्तों पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से ये वो फनकार थे जिनकी शक्ल मशहूर बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन से मुशाबत रखती थी और यही वजह उन्हें पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में वजह शोहरत मिलने का सबब बनी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी, सदाकारी और गुलकारी से वाजा कर दिया कि सिर्फ शक्ल मिलने से कुछ नहीं होता अगर इंसान के अंदर टैलेंट मौजूद ना हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इस वीडियो को देखकर माजी के जरोखों में चले गए हों तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीस ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।